एक साधक का प्रश्न है, ग्रंथों सत्संग एवं अनुभव के माध्यम से मैंने ये जाना है संसार और संसार के विषय अनित्य हैं, तथापि वैराग्य क्यों नहीं हो पा रहा है, विषय वासना पर कैसे विजय प्राप्त। देखो दो बात, किसी चीज को अनित्य जानने से उससे वैराग्य होता है। जब ये होता है कि ये अनित्य वस्तु आज मेरे सामने है तो इसको खा पी के भूख लो, इसका सुख भोग लो, तो ये रहेगी नहीं, फिर तो ये मिलेगी नहीं। तो अनित्य की अनित्यता को जान के चार दिना की चांदनी जान के भी जैसे मिनिस्टर लोग होते हैं तो जानते हैं कि थोड़े दिनों के बाद हमारे मिनिस्टर अच्छे चले तो उनको मिनिस्टर से बैराग्य थोड़ी होगा, तो उनको उतने दिनों में अपना झोला भर लेना चाहता। किसी भी चीज को अनित्य जानने से बैराग्य नहीं होता है। तो कहते हैं गले नहीं रहेगी ये जवानी, नहीं रहेगी ये मौत, बोल लो। अच्छा असल में जड़ जानने से भी ये अनित्य तो हम कहें सत का जो विवर्त है वो अनित्य है और चेतन का जो विवर्त है वो जड़ है। चेतन के द्वारा प्रकाश, चेतन में खास द्वार, जब किसी चीज को जड़ समझने से भी वैराग्य नहीं। कौन नहीं जानता जानता कि नोट जड़ है, चांदी जड़ है, सोना जड़ है, हीरा जड़ है, इतना जड़ है कि मैं उसके लिए रोना हूँ और उसको कभी एक बूंद आंसू भी नहीं। चोर ले जाए तो भी मना नहीं करता है कि हम अपने यार को कैसे छोड़ें, हमारा इतना प्रेमी बैठा हुआ है हम चोर के घर में कैसे जाए। तो जड़ समझ के भी बैराग्य, सब लोग जड़ समझते हैं परंतु बैराग्य नहीं होता। असल में बैराग्य होने का कारण यह है कि दुख दोषा दर्शन जब दिखने वाली वस्तु में दोष और दुख का दर्शन होगा। दोष क्या है कि यदि उस वस्तु से हमारा राग हो जाए तो बंध जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे और तिकोनी के बीच में गोंद लगेगा और चिड़िया को शिकारी पकड़ लेगा। तो दुख दोषान दर्शन जब दुख रूप प्रपंच मालूम पड़े तो दुख से वैराग्य होता है, जड़ और अनित्य से वैराग्य प्राय व्यवहार में देखने में नहीं आता है। इसलिए दुख का चिंतन होना चाहिए, प्रियम पाप जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो तुमको बात देगा, वो तुमको रुलाएगा। तो परिणाम काम संस्कार दुखे पूर्व वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना। जिसको तुम इस समय जिसमें फंस रहे हो उसका नतीजा क्या है, परिणाम में ऐसे नमों के नीचा देखना पड़ेगा, वो दुख मिलेगा। दूसरे के सुख को देखकर उससे ज्यादा ताप होगा, फिर वही भोगने की इच्छा होगी, संस्कार करेगा और भोग की वस्तुएं हैं बहुत, सबको जेब में रख नहीं सकते, तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जब इन सब बातों पर विवेक होता है, विचार कार्य होता है, असल में पहले होना चाहिए दुखदायी पदार्थ का विवेक करके उसके वैराग्य, उसके के साथ वैराग्य और उसके साथ होना चाहिए जड़ चेतन का विवेक होकर असंग चेतन के रूप में अवस्था और उसके बाद अपने सत आत्मा के सिवाय सब असत है ये ज्ञान होकर अद्वितीयता का बोध होना चाहिए।
तो जो लोग नित्यानंद का विवेक ही कर लेते हैं, जिनको संसार दुख रूप मालूम पड़ता नहीं, तो उनको वैराग्य नहीं होता। दुख रूपता से वैराग्य होता है और संसार की जड़ रूपता से चेतन की असंगता का बोध होता है और संसार की असत रूपता के बोध से अपनी सत रूपता का ब्रह्म रूपता का अनुभव होता है, अविनश्वर रूप का। इसलिए क्रम यह है कि पहले वैराग्य हो, फिर असंगता हो और फिर अद्वितीयता का बोध हो। और जो लोग बिना वैराग्य, वैराग्य होगा दुख से और उपरांता होगी जड़ से, और बोध होगा अपने सत स्वरूप का। और ये जब तीनों एक साथ रहेंगे तब जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का अनुभव होगा। और इनमें यदि योग हो जाएगा, अलग अलग पड़ जाएंगे, तब फिर ज्ञान के बाद भी मजबूरी करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि दुख आवेगा। इसलिए ये जो ग्रंथों का पठन और सत्संग और ये जो अनुभव है वो बहुत ऊपर ऊपर है, क्योंकि इसकी नींव जो है वैराग्य वो मजबूत नहीं है। इसी से संसार में पुनः पुनः आकर्षण हो जाता है।